বৃহস্পতিবার সকালে চাকুলিয়া থানার মনোরা 31 নম্বর জাতীয় সড়ক এলাকায় বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হলো 2 বছরের এক শিশুর। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া আছড়ে পড়ে। মৃত ওই শিশুটির নাম আমন কুমার রজত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডালখোলার দিক থেকে আসা একটি বাস ওই শিশুটিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় শিশুটি। তাকে উদ্ধার করে বিহারের কিষাণগঞ্জে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় মৃত্যু হয় ওই শিশুর। ঘটনার পর 31 নম্বর জাতীয় সড়কে সেফটি গার্ড ওয়ালের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় চাকুলিয়া থানার কানকি ফাড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘাতক বাসটির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। दुर्घटना ये ग्रीन ऊनी रहता तो दुर्घटना नहीं होता। ग्रीन ऊनी सब खत्म हो गया है। ये छोटा बच्चा था, ये तो माँ को देख करके दौड़ने लगा कि माँ हमारा उस पार है। और ग्रीन रहता तो बच्चा जाने पाता, ऐसा दुर्घटना नहीं होता है। हाँ, इसीलिए इसीलिए हमारा भी अनुरोध है सरकार से, यहाँ का समाज से, कि यहाँ ग्रीन लग जाता तो ऐसा दुर्घटना और नहीं होता, अच्छा रहता, सेफ्टिक रहता। लगभग सुबह 7:30 बजे ये बच्चा जो है, जिसका नाम अमन कुमार रजक और बाप का नाम राज कपूर रजक, छोटा बच्चा था, वो टहलते टहलते उधर गया और कानकी से किशनगंज जाने वाली जो बस थी ना या गाड़ी, कुछ नज़र आया नहीं, मार करके उसको निकल गया। तो बाद में पता चला कि गांव वाला गया, उसको उठाया, देखता है कि बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल ले आया, वहाँ मौत हो गया उसको। बहुत दुख की बात है, क्योंकि पूरा गांव जो है सहम गया है इससे। बहुत छोटा बच्चा, 2 साल, लगभग 2 महीने का बच्चा, और इससे लोगों में बहुत ज़्यादा डर घुसा हुआ है। और NH के बगल में तो थोड़ा एहतियात करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चा की जान चली गई।